अरे बहुत ऊंचाई पे गया है मोदी जी आने पे, तो देश 70 साल में जितना ने किया, जिससे 100 गुना 9 साल में ऊपर चला गया, जिसने अपने योग्यता और प्रतिभा से पूरे दुनिया को हिला दिया, भारतवर्ष का डंका बजा दिया। आज दुनिया भर के किसी भी नेता से, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से वो व्यक्ति हेड टू हेड बात करता है, इंडिविजुअल बात करता है, बिना किसी द्विभाषीय के सहयोग के। उसके योग्यता पर प्रश्न है, हमारे पासपोर्ट की पावर बढ़ी है। आप कल की डेट में मान लीजिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि भारत के पासपोर्ट की हैसियत क्या है। तो मेरा मानना है कि कैप्टन अच्छा होता है तो टीम अच्छा खेलती है। आज हम हर फ्रंट पे अच्छा खेल रहे हैं। इन बातों से लगता है कि देश हमारा पहले से ज्यादा तरक्की कर रहा है। भाई सब बातों में ही कर रहा है। सबके हवाई अड्डे देख लो, रेलवे स्टेशन देख लो, एकदम क्लीन सब जगह। भाई पहले सब ऐसे रहता था, और जो सारे काम के सब अच्छे किए, और फॉरेन में अपनी बहुत साख बढ़ाई देश की, बहुत साख बढ़ाई। लेकिन वहीं पे गठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी तो ये G20 करके नौटंकी कर रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद। उन्होंने कभी नहीं किया ना ऐसा। वो तो कहेंगे ना इनका नाम, मोदी जी का नाम ऊपर क्यों हो रहा है, उनको तो जलन होती है, इसलिए बोलते हो। क्यों हो रहा है मोदी? जब वो देश को नंबर 1 पे ला रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के नंबर ला रहे हैं मोदी जी, तो दूसरे को जलेंगे दूसरे तो।